लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भिन्नात्मक संख्याओं से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे। ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे UPSSC का पैट है या हरियाणा का CET है और साथ में सैनिक स्कूल हैं उनमें भी आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यानी आज का 25वां प्रश्न क्या है, किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। तो 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना धन बराबर x है, जो चीज हमने पूछी गई है हम उसी को मान लेते हैं और शर्त क्या है प्रश्न की उसके अनुसार इसको सॉल्व कर देते हैं। किसी धन में यानी उसी में प्लस उस धन का 1/7 यानी x/7 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेगी, इसका LCM ले लेंगे 7, 1 से 7 बार कटेगा तो 7 × 7x प्लस ये एज इट इज x ही आएगा बराबर 40 हो गया। अब 7 × 1 8x हो गए बटे में 7 बराबर 40 हो गए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी क्या आ जाएगा, 8x = 40 × 7, तो x बराबर हो जाएगा 40 × 7, ये गुणा की संख्या इधर जाके भाग में पहुंच जाएगी तो 8 × 5 = 40, 8 से 40 पांच बार कट गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 5 = 35, यानी वो धन कितना था, 35 रुपये था। तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें हमें आंसर दिया गया है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 26वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं, आशा करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो 26वां प्रश्न है क्या है, किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है तो धन ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी वही 26 का सॉल्यूशन, माना धन बराबर एक्स, वही हमने मान लिया, माना धन बराबर एक्स क्या दिया है, किसी धन का 1/6 यानी x/6 उसके 1/8 यानी x/8 अंतर दिया है ना, अधिक है तो अंतर निकालेंगे बराबर 24 के बराबर ये आता है। अब इसको उसी की तरह हल करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हम एलसीएम पहले ही बता चुके हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। देखो कैसे निकालते हैं, 6 और 8 का कोई भी ऐसी संख्या जो छोटी से छोटी हो और इन दोनों से कट जाए तो हम क्या देखते हैं, 6 से 18 कट रही है लेकिन 8 से नहीं कट रही, 6 से 12 कट रही है लेकिन 8 से नहीं कट रही, लेकिन 6 से 24 भी, जो 24 है वो 6 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, तो 24 इसका हो गया एलसीएम। 6 × 24 चार बार गया और 4 × 4x − 8 = 24 तीन बार और 3 × 3x = 24, तो कितना हो गया, 4 में से 3 गया तो 1x बचा और 1 को हम लिखते नहीं तो x = 24 और ये वाली संख्या भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगी। अब हम 24 और 24 का गुणा करेंगे तो 24 का वर्ग हम जानते हैं 576 होता है, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी इसका भी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न है, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 रुपये अधिक है तो धन ज्ञात करें। तो 27 का हल सॉल्यूशन देखते हैं, माना धन बराबर एक्स, जो पूछा गया उसको मान लेते हैं, उसके 2/5 भाग से यानी 3/4 भाग से 2/5 भाग अधिक है तो 3/4 × x से यानी 2/5x घटा दो और अंतर कितना आ रहा है, 700, तो इसका एलसीएम क्या है। देखो 10 संख्या इससे तो कट रही है, इससे नहीं कट रही, 15 किसी से भी नहीं कट रही, यानी 20 ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाएगी वो सबसे छोटी है, तो इसका जो लघुतम है वो हो गया 20, 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 x − अब क्या करेंगे, इस 5 का इसमें भाग करेंगे यानी 5 × 20 चार बार गया, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8x बराबर कितना हो गया, 700, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, x/20 = 700, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 700 × 20 और जो 7 है ये गुणा में भाग में संख्या थी वो गुणा में गई और जो गुणा में थी वो भाग में चली जाएगी, तो इससे ये कट गया यानी कितना, 100 बार, तो इनका ही गुणा कर देंगे 2 और 3 = 0 यानी ₹2000 इसका आंसर हमें मिल गया। तो ₹2000 कहाँ पर है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। 28वां देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 है। तो देखो यहाँ पर संख्या दी है, यहाँ धन दिया था, बात वही है, लेकिन ये वाली संख्या पलट दी गई है। तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, तो क्या दिया कि संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर। तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं। तो यहां पर हमें ये बड़ी संख्या दिखाई दे रही है और ये छोटी, तो 3/4x माइनस 2/5x बराबर कितना मिल रहा है, 56। तो यहां पर एलसीएम क्या हो गया, 20, वही 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15x माइनस 5 × 4 = 20 और 4 × 2 = 8x बराबर 56। ये वाला पार्ट उसी पिछले क्वेश्चन की तरह है बस। तो 15 में से 8 घटाओगे आप, 7 मिलेंगे बटे 20 बराबर 56। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 56 × 20 और x का इधर भाग हो जाएगा। तो x बराबर 56 × 20/7 यानी 7 × 8 = 56 और 8 और 20 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 × 2 = 16 और 160 इसका आंसर हो गया। तो वह संख्या क्या है, 160 है। तो यही इसका ऑप्शन सही है। अगला यानी 29वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जब हम छोटे थे तब 5वीं क्लास में हुआ करता था और इस प्रश्न को लट्ठे वाले क्वेश्चन के नाम से जाना जाता था और कई बार इसकी बात ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलती थी कि क्या आपको लट्ठे वाला सवाल आता है। तो आइए देखते हैं क्या है। एक खंभे की का 1/5 / 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करो। माना खंभे की लंबाई बराबर, माना खंभे की लंबाई बराबर x, जो शर्त है उसके अनुसार करते जाओ। खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में है यानी 1/3x प्लस 2/5 भाग पानी में है यानी 2/5x प्लस 10 मीटर ऊपर है, और ये क्या होना चाहिए, जोड़ने के बाद x ही प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इसका जो लघुतम है वह कितना होगा, 15 होगा, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। तो यहाँ से 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5x प्लस 5 से 3 बार कटेगा, 5 × 3 = 15 और 3 से 2 का गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6x प्लस यहाँ पर 1 है तो 15 ही हो गया और 15 का 10 से गुणा करेंगे तो 150 बराबर x हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 और 6 = 11x प्लस 150 बराबर 15x यानी ये वाली संख्या उधर जाके गुणा में होगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 150 बराबर 15x माइनस 11x यानी ये वाली संख्या उधर जाके माइनस की होगी, 15x माइनस 11x, तो क्या हो गया, 150 बराबर 15 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 4x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 में 4 का भाग कर देंगे। तो पहले तो हम देखते हैं ये 4 का भाग, यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, 150 में 4 का भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 15 में से 12 गए तो 30 हो गए और 4 × 7 = 28 यानी 2 बच गए। तो देखो क्या हो गया, कितनी बार कटी है ये, 37 सही 2/4 आंसर आ गया। यहाँ पर हमें देखते हैं, देखो 37 सही, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से 1 बार और ये 2 बार यानी 37 सही 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नवोदय से संबंधित सारी की सारी जो रिसेंट की पुस्तक है उसका और अन्य पुस्तकों का भी सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।